केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। रांची में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद चिराग पासवान ने बताया कि उन्हें 5 साल के लिए दोबारा अध्यक्ष चुना गया है। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज यहां झारखंड रांची में आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से हमारे कार्यकारिणी के सदस्य यहां पे मौजूद थे। इस कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर था। हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए 5 साल हो गए थे और ये प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव आयोग में ये हर 5 साल के बाद चुनाव की इस प्रक्रिया को हम लोग को दर्ज कराना होता है। पार्टी के संविधान के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद 5 साल के लिए होता है। पिछली बार 2019 पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। बहरहाल उसके बाद पार्टी ने कई तरीके के उतार चढ़ाव देखे, आप लोगों की जानकारी में है ही वो तमाम विषय। पार्टी परिवार में एक टूट हुई, एक नए नाम के साथ हम लोगों ने पार्टी की शुरुआत की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पर ये प्रक्रिया वही है। तो पिछली बार 2019 के नवंबर में हमारा चुनाव हुआ था, इस नवंबर तक दोबारा चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना था, पर क्योंकि आने वाले दिनों में कई और राज्यों में चुनाव है और संभवतः उसकी व्यस्तता ज़्यादा होगी, झारखंड में भी चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में हम लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा किया और आज पुनः हमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा चुना गया। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोगों ने इस बैठक को रखा भी था। बहरहाल जहां एक तरफ चुनाव की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। रांची में आयोजित बैठक में चिराग पासवान ने झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर भी चर्चा की। चिराग ने बताया कि लोजपा ने झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का विकल्प खुला रखा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी अकेले भी लड़ेगी तो अंततः एनडीए को ही अपना समर्थन देगी। चिराग ने लेटरल एंट्री, क्रीमी लेयर आदि विषयों पर प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन तमाम विषयों पर लिए गए फैसलों को आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसहमति से प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन इस बैठक में पारित करने का हम लोगों ने काम किया। साथियों, आने वाले दिनों में और कई कार्यक्रम मेरे लाइंड अप हैं झारखंड राज्य को लेकर। जैसा मैंने कहा कि चुनाव लड़ने की मंशा पार्टी रखती है, पार्टी का स्टेट यूनिट भी रखता है। आने वाले दिनों में गठबंधन के तहत हो या अकेले, ये फैसला जल्द लिया जाएगा। गठबंधन के भीतर चर्चा करके केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास औपचारिक तौर पर ये प्रस्ताव एक बार राज्य इकाई के माध्यम से पहुंचता है, उस पर हम लोग चर्चा कर और साथ ही में पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। आने वाले दिनों में जब चुनाव की डेट्स, नोटिफिकेशन वगैरह जब आ जाएगा तो ये तमाम बातें रखेंगे, पर ये सरना धर्म कोड हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर पार्टी अपनी सोच रखती है। इन तमाम बातों को आने वाले दिनों में जब मैं पुनः यहाँ पर वापस आऊँगा, उस दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान, आप लोगों से बातचीत के दौरान, पार्टी झारखंड में, झारखंड के विकास को लेकर क्या सोच रखती है वो भी आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा, वो भी आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े, एक बात तय है कि पार्टी ये सोच रखती है और ये मानती है कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में एनडीए की ही सरकार बनेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर अलग भी चुनाव लड़ती है तो अंतोगत्वा हम लोग का समर्थन इसी गठबंधन के साथ रहेगा।
चिराग पासवान ने अपने सधे हुए चाल से चाचा पशुपति कुमार पारस के हर दाव को नाकाम कर दिया है। अब भतीजे के सामने चाचा की राजनीतिक हैसियत शून्य हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।